जैसे नाम रख लेने से तुम मेरे समान हो जाओगे। भगवान ने कहा, आपका तो बहुत बड़ा नाम है परशुराम, मेरा तो छोटा सा राम। विप्र वंश की जैसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराए। आपको कौन डरा सकता है, महाराज आपकी बराबरी कौन कर सकता है। परशुराम और राम इस प्रकार संवाद हो रहे थे, दोनों के बीच से खिड़की से पवन आया, भगवान श्री रामचंद्र के अस्थल से वक्षस्थल से पीताम्बर सरक गया। परशुराम जी की दृष्टि राम के वक्षस्थल पर गई, उन्होंने राम के वक्षस्थल पर श्री वत्स लक्ष्मी रेखा देख ली, भृगु के चरण सिंह देख ली। परशुराम जी समझ गए, ओह मुझे कहीं अपराध हो जाता, यदि मुझे पता नहीं चल। परशुराम जी समझ गए, तो ब्रह्मांड नायक है, अकेल ब्रह्मांड नायक है, इस धरती पर आ गए हैं। परशुराम जी समझ गए मैं किससे उलझ रहा था। दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी बड़े भाव में आकर कहने लगे, जय राघुवंश नजब न मानो, जय राघुवंश नजब न मानो, नजब न भानो, गहना दनुज कुलद कृशानो, जय सूरा पीत देनुहितकारी, जय सूरा विप्र देनुहितकारी, जय मद मोह को जोड़कर। परशुराम जी कहने लगे, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि के समान आपकी जय। हे प्रभु हम आपके बालक हैं, बालक जब अपनी माँ का दूध पी रहा होता है, गोद में बैठकर अपनी माँ को ही लात मार देता है, तो क्या उसकी माँ उसे छोड़ देती है। ठीक उसी प्रकार हम आपके बालक हैं, हम आपके संतान हैं, हमसे यदि कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो हमें क्षमा कीजिए। कहीं जाया जाया रघुकुल के तू, कहीं जाया रघुकुल के तू, भृगुपति गए नोब नहीं तपाए तू। अनेक अनेक मंत्रों से विरदाते हुए, अनेक बातों से क्षमा याचना करते हुए परशुराम जी जहाँ से आए थे वहाँ चले।